स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का ज्योग्राफी यानी कि दोस्तों भूगोल का जो वीकली टेस्ट हुआ है दोस्तों उसका हम लोग जो आंसर की आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और आंसर के से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लास्ट में बताया कि आप 16 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कहता है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उचाव के मध्य अंतर को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं तल संतुलन। तो ऑप्शन नंबर खा दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो नंबर दोस्तों प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्र पर, ठीक है, अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर दोस्तों अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों तीन नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया था कि अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अनाच्छादन शब्द का दोस्तों क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों आवरण हटाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क इसका हो जाएगा आवरण हटाना, स्ट्रिप ऑफ, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपका चार नंबर का जो आपका प्रश्न है दोस्तों कहता है किस प्रक्रिया के कारण लोहा का जो रंग है लाल भूरा या पीला हो जाता, तो कौन सा प्रक्रिया के कारण दोस्तों लोहा का जो रंग है बदलता है, तो ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी ऑप्शन नंबर डी अपन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांच नंबर दोस्तों पूछा गया था अर्धचंद्रकार बालू की डिब्बा जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा की ओर निकली होती है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका हो जाएगा राइट आंसर पांच का बरखान। छह नंबर का दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नदी अपरदन के द्वारा बनने वाले मैदान को क्या कहते हैं, तो नदी अपरदन के द्वारा दोस्तों जो मैदान बनता है इसको हम लोग कहते हैं पेडी प्लेन, ठीक है। पेडी प्लेन ऑप्शन नंबर डी खा इसका हो जाएगा पेडी प्लेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर पेडी प्लेन। चलिए सात नंबर दोस्तों कहा कि चूना पत्थर युक्त क्षेत्र में अत्यधिक, ठीक है, अनियमित पतले तथा नुकीले कटक को क्या कहते हैं, तो चूना पत्थर दोस्तों जो युक्त क्षेत्र है इसमें अधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग लेपिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका हो जाएगा राइट आंसर लेपिस। चलिए आठ नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा भू आकृति जो हिमनद द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो हिमनद के द्वारा कौन नहीं बनाया था दोस्तों, तो यहाँ पर पेडिमेंट हिमनद के द्वारा नहीं बनाया जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ नंबर दोस्तों कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस नंबर दोस्तों बोलता है वायुमंडल के किस परत में पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आयन मंडल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। ग्यारह नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शित है तथा पारवित विकिरण के लिए अपारदर्शित है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। बारह नंबर का दोस्तों प्रश्न है वायुमंडल के किस संगठन के को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, वायुमंडल के दोस्तों किस संगठन को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते तेरह नंबर दोस्तों बोलता है पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान के समान हौस दर कितनी है, तो हौस दर दोस्तों कितनी है, तो 6.5 डिग्री है, ठीक है, पर हजार मीटर पर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। चौदह नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों कहते हैं अपसोर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है, घ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ अपसोर। पंद्रह नंबर दोस्तों कहता है पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, तो प्रति मिनट दोस्तों 1.94 कैलोरी, ठीक है, प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। सोलह नंबर दोस्तों जो आपका लास्ट प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप किस क्षेत्र में पड़ता है, तो सबसे अधिक सूर्य ताप दोस्तों उपोषण कटिबंधीय मरुस्थल में पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का आंसर किया देख लिया। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 16 में से कितना सही कर पाए नीचे कमेंट कीजिएगा।